हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस ट्रेन कर्व की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस हमने पढ़ा था हमारे पास क्या है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने किसी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, उसके पार्टिकल्स अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, तो दैट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या था, जब ये स्ट्रेस लगा, जब ये फोर्स लगी, डीफॉर्मिंग फोर्स लगने से लेंथ में चेंज आया, तो वो जो लेंथ में चेंज आया वो कितना था, तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, वो हमारे पास क्या था, स्ट्रेन, अगर हम लेंथ की टर्म्स में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए, एक वायर के लिए। हमने एक वायर ली है मान लो, उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं और हम स्टडी करेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे वेरी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास, हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक रबर बैंड खरीदते हैं, लड़कियों को पता है हम एक रबर बैंड खरीदते हैं, जब हम उसको एक या दो दिन यूज़ करेंगे, मान लो उसका साइज़ था, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास उसका साइज़ था इतना, तो जब हमने उसको एक या दो बार यूज़ किया, हमने यूज़ किया नॉट की वापस रखा, यूज़ किया नॉट की एक या दो बार हमने यूज़ किया, तो मीन्स हमारे पास उसको यूज़ करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो ऑलमोस्ट जब हम फोर्स हटा देते थे तो हमें ऐसा सा ही दिख रहा है एक या दो बार यूज़ करने के बाद। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है कि हम उसको खींच रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसमें एक्सटेंशन हो रही है, नॉट बंध रही है, लेकिन जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, जब हम उसको निकाल के रखेंगे, तो उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो वैसी की वैसी है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या चीज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जो बॉडी है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, ऑल्दो कुछ चेंजेस आते हैं थोड़े बहुत, बट हमारे पास, हम ये मान के चल रहे हैं, एक बार यूज़ किया, दो बार यूज किया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, वो दिख रहा है वैसा वैसा सा, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह लिया जाए। तो हमने बोला कि इस पॉइंट पे, मतलब अभी हमने एक या दो बार यूज किया, तो जैसा था वैसा ही है, तो मींस यहाँ पे मैं जितना लोड लगा रही थी उतनी उसमें एक्सटेंशन हो रही थी, जितना हम उसको लोड लगा रहे थे वो उतना एक्सटेंड कर रहा था। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो स्ट्रेस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। हमने रबर बैंड दो दिन यूज किया, उसमें हमारे पास जितना हमने स्ट्रेस लगाया उतनी एक्सटेंशन हुई, जितना लोड लगाया उतनी एक्सटेंशन हुई, तो हमने निकाल के रखा, वो वैसा सा ही दिखा जैसा हम मार्केट से लेके आए थे। तो इट मींस हमारे पास वो रबर बैंड वैसा का वैसा ही है, वो दिख रहा है हमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह, जो इमीडिएटली वैसे की वैसी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेज है, इसमें हम बोल रहे हैं कि हमने एक वायर ली, हमने एक वायर को खींचा, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद हमने जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई, वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। अभी हमारा जो उस पर फोर्स लग रही है, जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है, वो इतना नहीं है, कम है, तो मींस हमारे पास जो उसमें चेंजेस आए वो ये दिखाएंगे इस स्लॉट में कि जो हमारे पास ओ से ए वाला कर्व है वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला दिखा रहा है कि आप जितना लोड लगा रहे हो उतनी एक्सटेंशन हो रही है, मींस आप जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना स्ट्रेन हो रहा है। इस रीजन में जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशनशिप। तो मींस ओ से ए तक ये वाली स्टेज दिखा रहा है रबर बैंड की, कि जैसा था वैसा का वैसा ही है, अभी परफेक्टली इलास्टिक, आपने जितनी उसको स्ट्रेस दिया उतना स्ट्रेन आया, आपने जितना लोड लगाया उतनी एक्सटेंशन हुई। तो मींस हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। तो ओ से ए वाला रीजन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ए पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब हमारे पास कि उसमें जो हमारे पास वैल्यू थी लोड और एक्सटेंशन की, उसमें जो वेरिएशन आ रही थी इस रीजन में, स्पेशली इस रीजन में, वो कैसी थी, एक दूसरे के साथ लीनियर रिलेशनशिप बना रही है, जितना जितना उसमें स्ट्रेस उतना उतना स्ट्रेन में चेंज आएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ तब तक होता है जब तक कि प्रोपोर्शनल लिमिट हो। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, कि जब हमारे पास कंडीशन है, हमने कम फोर्स लगाई है, स्ट्रेन स्मॉल है,
जब स्ट्रेन स्मॉल होगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां पे हुक्स लॉ ओबे होगा बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो ये हमारे पास आ गया ओ से ए वाला रीजन। ओ से ए वाला रीजन इज ये वाला जिसमें हुक्स लॉ ओबे होगा, जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लीनियर रिलेशनशिप है, बट कंडीशन इज कि उसमें स्ट्रेन कम होगा, हमने बहुत ज्यादा नहीं चीज को खींच दिया। तो हमारे पास इस रीजन तक ए मेरा क्या हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी सैटिस्फाई होती है, मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोला जा रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं ए से बी की तरफ। हमने बोला ये जो रीजन है हमारे पास कि अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहे हैं, अब इस केस में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने रबर बैंड खरीदा था ना, हमने एक दिन दो दिन यूज किया तो वैसा का वैसा ही है। मान लो सेम चीज अब हमने तीसरा चौथा दिन हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो जब थर्ड फोर्थ डे हमने उसको यूज किया तो हमारे पास क्या है, उसमें हमें थोड़ा सा जो पहले जैसे हमने खरीदी थी वैसा सा नहीं, थोड़ी सी वो लूज होती हुई फील हो रही है। तो थोड़ी सी लूज होती हुई फील हो रही है मीन्स हमें लगाते टाइम पता हो जाता है कि जितनी वो स्टिफ थी पहले उतनी स्टिफ नहीं है। तो अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, दो बार यूज किया तो हमने बोला वहां पे हमारे पास जैसी थी वैसी ही है, एक बार यूज की दो बार यूज की जैसी खरीदी थी मार्केट से वैसा ही है, जितना आपने उसको स्ट्रेस लगाया उतना स्ट्रेन लगा। थर्ड डे फोर्थ डे हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास हमें वो जो उसका मटेरियल है वो थोड़ा सा लूज होता हुआ फील हुआ, जितनी ली थी बहुत ज्यादा नहीं बट बहुत कम, जो हमें सिर्फ देखने से पता चल रहा है कि हाँ हम लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा लूज हो रहा है। तो मीन्स हमने ये जो फर्स्ट स्टेज ली इसमें हमारे पास जैसी खरीदी वैसी थी, परफेक्टली इलास्टिक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमारे पास जब स्ट्रेन क्या था, स्मॉल था। थर्ड फोर्थ डे हमने बोला कि चलो अब हमारे पास थर्ड फोर्थ डे हम चेक करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन हमने बढ़ा दिया, थोड़ी सी एलोंगेशन हमने बढ़ा दी। तो स्ट्रेन बढ़ाने से अब हमारे पास जो बॉडी है, जब आपको डीफॉर्मिंग फोर्स उसको हटाओगे आप निकाल के रखोगे तो आपको वैसी सी दिखेगी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं नजर आएगा, मतलब ठीक है वैसी ही है। तो अगर हम एक रबर बैंड को भी खींच रहे, एक हम वायर को भी खींच रहे हैं, वायर को हमने खींचा, फर्स्ट केस था कि हमने स्ट्रेन कम लगाया तो उसमें जो हमारे पास स्ट्रेस था दैट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना जितना लोड लग रहा था उतनी उतनी एक्सटेंशन हो रही थी, लीनियर रिलेशनशिप था। अब सेकेंड केस पे चले, हमने बोला थोड़ा सा स्ट्रेन अब हमने और लगाया, जैसे ही हमने स्ट्रेन इंक्रीज किया इस केस में अब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, जैसे ही थोड़ा सा आपने स्ट्रेस इंक्रीज किया स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज किया बट स्ट्रेन जो है वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा एकदम से जो है वो क्या कर गया, राइज कर गया। इस केस में जो स्ट्रेस है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, रबर बैंड को निकाल के रखेंगे तो हमें वो वैसी ही दिख रही है, मींस उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है, ओरिजिनल स्टेट जो है वो एक्वायर कर ली, बट हमारे पास वहां स्ट्रेस जो था और जो स्ट्रेन था उसका लीनियर रिलेशनशिप नहीं था, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थे। फिर से ओ से ए वाला पॉइंट, जहां स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना लोड लगाया जितनी तुमने खींची उतनी ही हमारे पास एक्सटेंशन हुई, यही मतलब। तो मतलब यहाँ हुक्स लॉ ओबे हुआ, यहाँ बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव की। अगर हम चले ए से बी की तरफ, अब हमने थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ाने से हमारे पास हमने देखा अब इस केस में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस केस में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ स्ट्रेस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए को हमने बोला प्रोपोर्शनल लिमिट क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी इस रीजन में सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। क्यों इलास्टिक लिमिट बोला जाता है कि जब हम यहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे, इस केस में भी रबर बैंड तीसरे चौथे दिन लगा के रखा तो हमें वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता हुआ नजर आया। तो मींस हमारे पास वायर को आपने खींचा तो जैसे ही आपने स्ट्रेन बढ़ाया जो हमारे पास उसमें एक्सटेंशन हुई वो क्या थी, इस वाले स्लॉट से थोड़ी ज्यादा थी, मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ने पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्ट्रेस तुम किया मतलब पर उस पे स्ट्रेन का जो चेंज है वो थोड़ा क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा आ गया। तो इस केस में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के। और जो बी तक, पॉइंट बी तक हमारे पास फोर्सेस एक्ट करती हैं, इसमें जो हमारे पास हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है। क्यों?
क्योंकि हम ओ से ए पे गए, हमने डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई, जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, हुक्स लॉ भी ओबे हुआ, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आई। बी से जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमने बी पे, मतलब हमने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया था, स्ट्रेन बढ़ा था, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया, स्ट्रेन उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया बट उसके कंपैरिजन में स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो मींस लीनियर नहीं रहा, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रहा, एक थोड़ा बढ़ाया एक थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि जब आप डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी इट मींस जो फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व्ड हैं वो कैसी हैं, कंजर्वेटिव। तो अप टू बी जो इलास्टिक फोर्सेस हैं वो कैसी होंगी हमारे पास, कंजर्वेटिव होंगी। वायर कैसी रहेगी, इलास्टिक ही रहेगी, वायर में हमारे पास अभी कोई ऐसा खास चेंज हमें नहीं नजर आ रहा, वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, बस एक चीज हट गई, यहाँ थी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई, अब नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बी से जब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास बी से आ जाएगा सी की तरफ, अब हम जाएंगे, अगर हम बात करें इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली। मतलब हमने बोला अब बी के बाद हम जितना भी उस पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस अब बढ़ा रहे हो, मतलब अब रबर बैंड हमने फोर्थ डे यूज कर लिया था, अब हमने 4 डेज के बाद 5, 6, 7, 8 डेज यूज किया, अब उसमें हमारे पास हमने जब निकाल के देखा उसको तो पहले वो इतना था, अब जितना हम मार्केट से लाए थे अब हमें वो थोड़ा बड़ा नजर आने लगा, अब उसकी जो शेप है वो थोड़ी पहले जो मार्केट से खरीदा था वैसा नहीं था, जो इस लॉट में था वैसा नहीं था, जो इस लॉट में था वैसा नहीं था, मतलब हमने यहाँ डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई थी, हमें उसने ओरिजिनल पोजीशन अपनी एक्वायर करता हुआ दिखा, जब हमने बी तक देखा तो बी पे भी जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो हमें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करता हुआ वो नजर आया। लेकिन आफ्टर बी अगर हम बात करते हैं, बी के बाद जब हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाएगा, हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो जो बॉडी है वो जैसी हम खरीद के लाए थे रबर बैंड वैसी नहीं रही, थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी उससे क्या है हमारे पास बड़ी हो गई। तो अब अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटा भी रहे हो, हमने उसको निकाल के रखा तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी जो हम लेके आए थे, बट अब हमें रबर बैंड ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया परमानेंट सेट, अब ये चाह के भी इतना छोटा नहीं बन सकता, अब ये चाह के भी वापस अपनी स्टेज पे नहीं जा सकता, तो मींस ये हमारे पास क्या हो गई, उसकी शेप परमानेंट सेट हो गई। तो हमने बोला बी से जब हमने थोड़ी सी फोर्सेस बढ़ाई थी, स्ट्रेन बढ़ा था, तो हमारे पास जो बॉडी है सी को एक पॉइंट है बीच में हमारे पास, हमने उस पे जब डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटाई तो मुझे मेरा ग्राफ वापस ओ पे जाता हुआ नजर नहीं आया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करता हुआ जो वायर है या जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक रबर बैंड लिया जो कि नहीं है, बट वो सेम हमारे पास स्टेट एक्वायर नहीं कर रहा, तो मींस उसकी शेप में चेंज आया। तो अगर वायर भी हमारे पास इतनी थी तो वो इतनी हो चुकी है, परमानेंट सेट हो गई। तो ये जो है डॉटेड डॉटेड एफ पोजीशन, ये क्या दिखा रहा है, ओएफ रीजन मुझे क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखाएगा कि यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वायर है उसने जो शेप पहले वाली थी अब उससे अलग एक एक्वायर कर ली है जो कैसी हो गई है, परमानेंट सेट हो गई है। तो मीन्स ओ से ए तक था, ओ से ए तक ए हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, यहां स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ा, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इसके बाद अब इलास्टिसिटी जो है वो खत्म होने वाली है, तो मींस बी है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। हमारे पास बी पे भी जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटाई तो बॉडी ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर ली। अब बात की बी के बाद हमारे पास कोई एक रैंडमली हमने पॉइंट लिया, हमने बोला कि अब हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेन उसमें ज्यादा बढ़ रहा था, तो अब हम डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटा के देखते हैं वो कैसे एक्ट करता है, तो जैसी खरीदी थी वैसी नहीं है, परमानेंट सेट हो गई, ऐसी वायर थी अब ऐसी हो गई, परमानेंट सेट हो गई, मीन्स उसकी जो शेप है वो परमानेंटली क्या हो गई, अब चेंज। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बिहेवियर ही शो करेगा, जैसे जैसे अब हम ये बोल रहे हैं नेक्स्ट जो रीजन आएगा उसमें आप स्ट्रेस दो या ना भी दो, मींस आप लोड थोड़ा ज्यादा, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा लोड दे रहे थे, अब उसमें स्ट्रेन जो था वो ज्यादा आ रहा था, एक्सटेंशन जो थी वो ज्यादा हो रही थी। अब इस रीजन में
अगर हम जो लोड है वो नहीं भी ज्यादा लगा रहे तो भी हमारे पास जो स्ट्रेन है वो एकदम से बढ़ रहा है। तो स्ट्रेन एकदम से बढ़ेगा, एक पॉइंट तक मैक्सिमम जाएगा। ये जो रीजन है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है? प्लास्टिक बिहेवियर को, कि यहाँ इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। इलास्टिक लिमिट के बाद हमने एक सी पॉइंट लिया ऐसे रैंडमली, कि हमने स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया था, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ा। डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाने के बाद जो बॉडी है वो परमानेंट सेट हो गई। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोड स्ट्रेस नहीं भी दे रहे तो भी स्ट्रेन क्या है वो हमारे पास बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ रहा है। तो ये है स्ट्रेन की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर सी से ई की बात करें, या हमारे पास ये जो कर्व है वो कर्व क्या बताएगा? प्लास्टिक रीजन बताएगा, प्लास्टिक बिहेवियर बताएगा। जैसे अब रबर बैंड हमने इतना यूज कर लिया, इतना यूज कर लिया कि उसके बाद उसमें हमारे पास वो जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो गई है। अब इलास्टिसिटी खत्म हो गई है तो खाली वो मटेरियल मटेरियल ही है जो बिल्कुल लटका हुआ सा हमें नजर आ रहा है, कि मीन्स अब हम उसको इलास्टिक इलास्टिक रबर बैंड की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है? बस एक हमारे पास कपड़ा सा है। तो मीन्स हमारे पास अब वो क्या एक इलास्टिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा? नहीं। तो यहाँ पे आफ्टर सी टू बियॉन्ड सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? आप थोड़ा सा भी लोड इंक्रीज करोगे, और थोड़ा सा भी लोड हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें एकदम से जो स्ट्रेन है वो राइज कर जाएगा। तो मीन्स हमने थोड़ा सा लोड इंक्रीज किया, लोड इंक्रीज करने के बाद अब जो ये हमें रीजन दिख रहा है ये है प्लास्टिक रीजन, जो बॉडी है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। अब इस पॉइंट पे हम लोड थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो जो वायर है उसमें कंस्ट्रिक्शंस पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। वो क्लास में एक्सपेरिमेंट करने के लिए टीचर्स कॉपर वायर्स देते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैठे 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 उसको घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, तो किसी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आता है उसमें कंस्ट्रिक्शंस पड़ती हैं, वो टूट जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ होगी, हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई। हमने जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, यहाँ तक हमारा स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन से, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई, बट जो बॉडी है वो फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करेगी। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा और लोड बढ़ाया तो हमारे पास क्या हुआ? बॉडी ने एक परमानेंट सेट शेप शो कर दी। उसके बाद हमने स्ट्रेस और बढ़ाया, थोड़ा लोड और बढ़ाया, तो जो स्ट्रेन है वो एकदम से राइज कर गया। स्ट्रेन राइज किया, यहाँ पे वायर में कंस्ट्रिक्शंस पड़ी, और एंड पॉइंट एक ऐसा आएगा कंस्ट्रिक्शंस के बाद कि हमारे पास जो बॉडी है वो टूट जाएगी, ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो बॉडी स्ट्रेस शो करती है, स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रेकिंग पॉइंट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये इस पॉइंट का जो हमारे पास स्ट्रेस है, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो हमारे पास ई पॉइंट का जो स्ट्रेस होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वायर टूट गई। डी टू ई रीजन के बीच में हमारे पास अगर हम लोड ना भी लगाएं तो भी जो हमारी वायर है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती रहेगी। मीन्स डी टू ई, ऐसा प्लास्टिक रीजन में ही हम बात कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट लिया डी, जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू ये शो कर रहा है। डी के बाद डी से ई तक हमारे पास जो वेरिएशन होगी उसमें क्या आएगा? जो बॉडी है उसमें अगर हम लोड नहीं भी लगा रहे तो भी हमारे पास जो लेंथ है वायर की वो इंक्रीज करती रहेगी। तो लेंथ जब वायर की इंक्रीज करती है विदाउट एनी एडिशन ऑफ लेंथ, ये जो बिहेवियर होगा वायर का इसको बोला जाता है प्लास्टिक फ्लो। तो ये डी टू ई वाली स्टेट में जो बॉडी शो करती है उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। तो ये है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फिर से एक बार ही रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ओ से ए, ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा, बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बिहेव करेगी, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजिशन एक्वायर करेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ा, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। लेकिन ये इलास्टिक रीजन है, बी को इलास्टिक लिमिट बोला, यील्ड पॉइंट बोला, डी फॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, हटाने के बाद बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेगी। उसके बियॉन्ड हमने लोड बढ़ाया तो अब थोड़ा स्ट्रेन जो है वो ज्यादा हो गया। अब बॉडी जो है वो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड फोर्सेस लग रही है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड लग रहा है। तो बॉडी पे जब हम डी फॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे, थोड़ी सी लगाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा। जब हम डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर नहीं करेगी। तो ये सी से एफ वाला रीजन जो है, यहाँ से जो ओ एफ आ गया, ये बताएगा बॉडी जैसी होगी, ये परमानेंट सेट। रबर बैंड खरीदा, एक से दो बार यूज किया प्रोपोर्शनैलिटी, तीन से चार बार यूज किया ए से बी, हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिक रीजन, स्टिल एक्वायर इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। बी, अब इलास्टिक लिमिट,
हमने उसको यूज किया यूज किया यूज किया, थोड़ा सा स्ट्रेस उसमें बढ़ाया, अब उसमें स्ट्रेन बढ़ गया, अब उसकी शेप चेंज हो गई, ऐसा खरीदा था ऐसा बन गया, तो मींस अब यहाँ पे परमानेंट सेट है। अब फिर भी नहीं हट रहे हम, फिर भी उसको यूज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो हम जब उसको यूज करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, एक पॉइंट ऐसा आता है उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल प्लास्टिक बन जाता है, मींस वो सिर्फ एक कपड़ा, लटकता सा कपड़ा रह जाएगा। तो सिमिलरली वायर है, जब वायर पे भी हम लोड लगाते रहेंगे उसके कंपैरिजन में एक्सटेंशन हो रही है, तो लोड लगाया एक्सटेंशन हुई, अब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम लोड लगा रहे हैं तो बॉडी कैसे रीजन में जा रही है, प्लास्टिक रीजन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली कंस्ट्रिक्शंस पड़ेंगी, कंस्ट्रिक्शंस के बाद ई पॉइंट मीन्स बॉडी जो है वायर जो है वो ब्रेक कर जाएगी। तो डी टू ई वाला जो रीजन है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोड ना भी लगाएं तो भी जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो बोलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट का जो स्ट्रेस है, द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ मटेरियल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डक्टाइल मटेरियल, फिर है ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल वो होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है, मीन्स ये वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा होगा, वो हमारे पास क्या है, डक्टाइल मटेरियल होंगे जिनका लार्ज प्लास्टिक रीजन होगा, और इधर ब्रिटल है जिनका स्मॉल जो प्लास्टिक रीजन है वो होगा। मींस इलास्टिक लिमिट के बाद हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे बॉडी टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा। तो मींस यहाँ पे हमारे पास ये रीजन स्मॉल, ये रीजन स्मॉल मतलब जल्दी से ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा तो ब्रेकिंग पॉइंट आसानी से नहीं आएगा। तो जितनी भी हम वायर्स कॉपर सिल्वर ये सब बात करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो डक्टाइल मटेरियल है जिनका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है। बट अगर हम बात करें ब्रिटल की, तो जो जल्दी से टूट जाते हैं, तो टूटने का मतलब यही है कि ये वाला जो रीजन है प्लास्टिक रीजन वो कम है, ब्रेकिंग पॉइंट यही आ गया, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट थोड़ी सी भी फोर्स लगाई टूट गया। तो वो हमारे पास जो होंगे ग्लास, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, ब्रिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनका कोई प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, तो ये बेचारे सेंसिटिव लोग, ब्रिटल हम ऐसे याद रख सकते हैं, सेंसिटिव लोग बहुत जल्दी से, जिनका मतलब जिनको फील हो जाती है बात, वो हमारे पास कौन से हैं, ब्रिटल हैं। इतने से भी मतलब इनकी इलास्टिक लिमिट आई, उसके बाद इतना सा बोला, तो इतने से बोलने पे भी जिनको फील हो गया वो हमारे पास ब्रिटल हैं। काफी बड़ा प्लास्टिक रीजन है, बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है इनके कंपैरिजन में, बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब आसानी से फील नहीं करने वाले, इधर मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास क्या है, इनके पास तो कोई प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, वो हमारे पास कौन है, इलास्टोमर्स है। मींस इनका जो इलास्टिक रीजन होता है वो बहुत बड़ा है, और हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं, बट इलास्टिक होने के बावजूद ये हमारे पास हुक्स लॉ ओबे नहीं करते। यहाँ मीन्स इलास्टिक रीजन ज्यादा है, इलास्टिसिटी है, बट ये हुक्स लॉ नहीं ओबे करेंगे, इलास्टोमर्स ऐसे हैं। तो जैसे हमारे पास वो हमारा लार्ज ब्लड वेजल है आयोटा, वो वहां ब्लड फ्लो होता है, तो वो जो टिश्यू है वो हमारे पास किस में आते हैं, इलास्टोमर्स में आते हैं। रबर तो है ही, बट ऐसे टिश्यूज भी किस में आ जाएंगे, इलास्टोमर्स में आ जाएंगे, जिनका प्लास्टिक रीजन नहीं है, हाईली इलास्टिक है, तो सुपर स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव। ठीक। तो हमारे पास ये कौन से हैं, ब्रिटल जो आसानी से टूट जाएंगे, ग्लास हो गया, तो स्मॉल प्लास्टिक रीजन, स्मॉल प्लास्टिक रीजन जल्दी से ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, यहाँ जल्दी से ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा, वो कौन से हैं, डक्टाइल मटेरियल। अब इसके बाद हमारे पास एक आती है मेलिएबिलिटी। अभी जो चीजें हमने पढ़ी वो किसके लिए थी, एक्सटेंशन के लिए, जब हम किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जब हम बात करते हैं, अगर हम कोई वायर ले रहे हैं या कोई सॉलिड ले रहे हैं, हम किसी सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हैं, हमने किसी सॉलिड को जब कंप्रेस किया, कंप्रेस करने में उसमें हमारे पास एक पॉइंट आएगा इलास्टिक लिमिट, जैसे वहां पे था, एक था प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर एक आएगा इलास्टिक लिमिट, या हम उसको यील्ड पॉइंट बोलते थे, यहां हम उसको बोलते हैं क्रशिंग पॉइंट। तो सेम ग्राफ ड्रॉ हुआ है कंप्रेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का, लोड वर्सेस कंप्रेशन का। तो सेम जैसे वहां पे हमारे पास आया प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे भी आएगा इलास्टिक लिमिट बी डैश। तो ये जो इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट है, इसको यहाँ बोला जाता है क्रशिंग पॉइंट। तो बियॉन्ड दिस क्रशिंग पॉइंट हमारे पास जितने भी मटेरियल जो है वो मेलेबल बन जाते हैं, मींस हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको रोल कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, तो वो चीजें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट मतलब उनको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, मेलेबल सब्सटेंस, गोल्ड।
तो ये हमारे पास क्या है, कंप्रेशन। जब हम किसी सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के बाद हमने बोला जो एक पॉइंट आएगा क्रशिंग पॉइंट, विच इज सेम एज द यील्ड पॉइंट। बियॉन्ड क्रशिंग पॉइंट जो हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं वो कैसे बोले जाएंगे, मेलेबल बोले जाएंगे, जिनको हम हैमर कर सकते हैं थिन शीट्स में। तो ये हमारे पास हो गई मेलेबिलिटी। ओके बिटू, बाय।